इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्लांट किंगडम के सभी पॉसिबल ट्रिक्स को देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिया था उसको याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है रीसीपीएमटी। ट्रिक है रीसीपीएमटी। री से हम लोग याद रखेंगे रिप्रोडक्शन, एंड सीपीएमटी के सी से हम लोग याद रखेंगे सेल स्ट्रक्चर, पी से याद रखेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एम से याद रखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड टी से याद रखेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, पुराने एनसीईआरटी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जगह थैलस स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन नए एनसीईआरटी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। इन पांच फीचर के बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे ग्रीन एल्गी के सभी एग्जांपल्स को। इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ग्रीन क्लासिकार SUV, ग्रीन क्लासिकार SUV। अब देखिए, ग्रीन से हम लोग याद रखेंगे ग्रीन एल्गी, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लासी से याद रखेंगे क्लेमिडोमोनास, कार से याद रखेंगे कारा, SUV के एस से याद रखेंगे स्पायरोगायरा, यू से याद रखेंगे यूलोथ्रिक्स, एंड वी से याद रखेंगे वोल्वोक्स। सो गाइस, ट्रिक है ग्रीन क्लासिकार SUV, एंड ग्रीन से सिंपली हम लोग याद रखेंगे ग्रीन एल्गी, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। क्लासी से याद रखेंगे क्लेमिडोमोनास, कार से याद रखेंगे कारा, SUV के एस से याद रखेंगे स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, एंड वी से वोल्वोक्स। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे ब्राउन एल्गी के सभी एग्जांपल्स को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ब्राउन डमी सेल्फी। ट्रिक है ब्राउन डमी सेल्फी। अब देखिए, ब्राउन से हम लोग याद रखेंगे ब्राउन एल्गी, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। डमी से याद रखेंगे डिक्टियोटा, सेल्फी के एस से याद रखेंगे सरगासम, ई से याद रखेंगे एक्टोकार्पस, एल से याद रखेंगे लैमिनेरिया, एंड एफ से याद रखेंगे फ्यूकस। गाइज, ब्राउन एल्गी के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ब्राउन डमी सेल्फी। तो ब्राउन से हम लोग याद रखेंगे ब्राउन एल्गी, डमी से याद रखेंगे डिक्टियोटा, सेल्फी के एस से याद रखेंगे सरगासम, ई से याद रखेंगे एक्टोकार्पस, एल से याद रखेंगे लैमिनेरिया, एंड एफ से याद रखेंगे फ्यूकस। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे रेड एल्गी के सभी एग्जांपल्स को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट ग्रोथ, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि जो PGR होता है, वो प्रमोट करता है ग्रोथ को। अब देखिए, इसके थ्रू हम लोग सभी रेड एल्गी के एग्जांपल्स को याद कर लेंगे। अब देखिए, प्लांट से हम लोग याद रखेंगे पॉलीसिफोनिया, ग्रोथ से याद रखेंगे ग्रेसिलेरिया, रेगुलेटर के R से याद रखेंगे रेड एल्गी, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रमोट से याद रखेंगे पॉलीफायरा, एंड ग्रोथ के G से याद रखेंगे गैलीडियम। एक बार और देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट ग्रोथ। तो प्लांट से पॉलीसिफोनिया, ग्रोथ से ग्रेसिलेरिया, रेगुलेटर से रेड एल्गी, प्रमोट से पॉलीफायरा, एंड ग्रोथ के G से गैलीडियम। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे फूड स्टोरेज को, यानी कि जो ये तीनों एल्गी होते हैं, इनमें फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग याद करेंगे बहुत ही सिंपल से ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन एल्गी फूड स्टोरेज करता है स्टार्च के फॉर्म में, ब्राउन एल्गी फूड स्टोर करता है मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन के फॉर्म में, एंड रेड एल्गी फूड स्टोर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। इसको याद रखने के लिए जो सिंपल से ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है गब्बर GBR। गब्बर स्टार मैन है, कहाँ का? फ्लोरिडा का, ठीक। यानी कि जो गब्बर है वो स्टार मैन है, स्टार मैन है कहाँ का? फ्लोरिडा का। बस यही सिंपल से ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है। देखिए, गब्बर के G से हम लोग याद रखेंगे ग्रीन एल्गी, B से याद रखेंगे ब्राउन एल्गी, R से याद रखेंगे रेड एल्गी, स्टार से याद रखेंगे स्टार्च, मैन से याद रखेंगे मैनिटॉल, एंड फ्लोरिडा से याद रखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। एक बार और देखते हैं ट्रिक को। तो गब्बर के G से याद रखेंगे हम लोग ग्रीन एल्गी, B से याद रखेंगे ब्राउन एल्गी, R से याद रखेंगे रेड एल्गी, एंड अब बच जाता है स्टार मैन फ्लोरिडा। अब स्टार मैन फ्लोरिडा के स्टार से हम लोग याद रखेंगे स्टार्च, मैन से याद रखेंगे मैनिटॉल, एंड फ्लोरिडा से याद रखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज दो फॉर्म में होता है, मैनिटॉल के भी फॉर्म में होता है एंड लैमिनेरियन के भी फॉर्म में होता है। मैनिटॉल तो हमने याद कर लिया ट्रिक के थ्रू, बच जाता है हमारा लैमिनेरियन। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, मैनिटॉल में अभी हमारा MNL आ रहा है, मैनिटॉल में हमारा MNL आ रहा है, एंड लैमिनेरियन में भी हमारा LMN पड़ रहा है, ठीक। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ऐसे हम लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज दो फॉर्म में होता है, मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे ब्रायोफाइट्स के सभी एग्जांपल्स को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है मोर फन इन स्विमिंग पूल। मोर फन
कहाँ पे? स्विमिंग पूल में। मोर फन कहाँ पे? स्विमिंग पूल में। अब देखिए, मोर से हम लोग याद रखेंगे मोसेस, फन से याद रखेंगे फनेरिया, स्विमिंग के एस से याद रखेंगे स्फाइगनम, एंड पूल से याद रखेंगे पॉलीट्राइकम। सो गाइज, ब्रायोफाइट्स के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है मोर फन कहाँ पे? स्विमिंग पूल में। तो मोर के एम से हम लोग याद रखेंगे मोसेस, फन से याद रखेंगे फनेरिया, स्विमिंग के एस से हम लोग याद रखेंगे स्फाइगनम, एंड पूल से याद रखेंगे पॉलीट्राइकम। सो नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे टेरिडोफाइट्स के सभी क्लासेस को। सो इसके लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है प्लीज पढ़ें, प्लीज पढ़ें। अब देखिए, प्लीज को हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पी एल एस के थ्रू डिनोट किया है। सो प्लीज के पी से हम लोग याद रखेंगे सिलोपसिडा, एल से याद रखेंगे लाइकोपसिडा, एस से याद रखेंगे स्फेनोपसिडा, एंड पढ़े के पी से याद रखेंगे टेरोपसिडा। सो ये चार क्लासेस होते हैं टेरिडोफाइट्स के, जिसको हमने याद रख लिया बाय द ट्रिक प्लीज पढ़ें। प्लीज के पी से याद रखेंगे सिलोपसिडा, एल से लाइकोपसिडा, एस से स्फेनोपसिडा, एंड पढ़े के पी से टेरोपसिडा। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे टेरिडोफाइट्स के सभी एग्जांपल्स को। सो इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है डीपी प्लीज, डीपी यानी कि जो हम लोग व्हाट्सएप पे लगाते हैं, ठीक। सो वही सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है कि डीपी प्लीज, डीपी प्लीज। सो अब देखिए, डीपी प्लीज के डी से हम लोग याद रखेंगे ड्रायोप्टेरिस, पी से टेरिस, प्लीज के पी से सीलोटम, एल से लाइकोपोडियम, ई से इक्विसेटम, ए से एडियंटम, एंड प्लीज के एस ई से दो एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे जो है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। सो एक बार और देखते हैं ट्रिक को, ट्रिक है डीपी प्लीज। सो डीपी के डी से ड्रायोप्टेरिस, पी से टेरिस, एंड प्लीज के पी से सिलोटम, एल से लाइकोपोडियम, ई से इक्विसेटम, ए से एडियंटम, एंड प्लीज के एस ई से हम लोग दो एग्जांपल याद करेंगे जो कि है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। सो टेरिडोफाइट्स के सभी एग्जांपल्स को हमने याद कर लिया बाय द ट्रिक डीपी प्लीज। सो नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे जिम्नोस्पर्म के सभी एग्जांपल्स को। सो इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है चलो जी सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है चलो जी सबको पढ़ना चाहिए। अब चलो के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, जी से याद रखेंगे गिंक को, सबको के एस से याद रखेंगे सिकोया, पढ़ना के पी से याद रखेंगे पाइनस, एंड चाहिए के सी से याद रखेंगे सेड्रस। एक बार और देखते हैं ट्रिक को। सो ट्रिक है चलो जी सबको पढ़ना चाहिए। अब चलो के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, जी से याद रखेंगे गिंक को, एस से याद रखेंगे सिकोया, पढ़ना के पी से याद रखेंगे पाइनस, एंड चाहिए के सी से याद रखेंगे सेड्रस। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो साइकस दिया गया है उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो साइकस होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें पाइनेट टाइप की लीव्स पाई जाती हैं, एंड साइकस में कोरलाइड टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा उस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, साइकस के इन सभी फीचर्स को हम लोग याद करेंगे बहुत ही सिंपल से ट्रिक के थ्रू। सो चलिए देखते हैं उसको। सो गाइस, इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है कप सीसी। ट्रिक क्या है? कप सीसी। आप अगर मान लीजिए आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि आप कहीं गए थे कप खरीदने, तो वहाँ आपको कप के साथ सीसी फ्री मिला। सो उसी के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं कि कप सीसी यानी कि कप के साथ सीसी फ्री मिला। अब देखिए, कप के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, जिसके फीचर्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यू से याद रखेंगे कि ये अनब्रांच्ड होता है। पी से याद रखेंगे कि इसमें पाइनेट टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाले सी से याद रखेंगे कि इसमें कोरलाइड रूट पाया जाता है, एंड नेक्स्ट वाले सी से याद रखेंगे कि इस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं साइकस के फीचर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो साइकस होता है वो डाइसियस होता है, बट जो पाइनस होता है वो मोनोइसियस होता है। अब इसको कैसे याद रखें हम लोग? सो गाइस, इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है सीडीपीएम के पास है। ट्रिक है सीडीपीएम के पास है। अब देखिए, सीडी के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, एंड डी से याद रखेंगे डाइसियस। अब सीडीपीएम के पास है, अब पीएम के पी से याद रखेंगे पाइनस, एंड एम से याद रखेंगे मोनोइसियस, यानी कि साइकस डाइसियस होता है एंड पाइनस मोनोइसियस होता है। एंड इस चीज को हमने सिंपली याद रख लिया बाय द ट्रिक सीडीपीएम के पास है। नेक्स्ट, एक और स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में दिया गया है
एनसीईआरटी में कि जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म का मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक। इसी प्रकार एंजियोस्पर्म का जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है। सो इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम बहुत ही सिंपल से ट्रिक याद रख सकते हैं कि गैड, गैड हमारे गांव में एक लड़का है जिसको हम लोग बुलाते हैं गैड। सो देखिए गैड के जी से हम लोग याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म, ए से याद रखेंगे एंजियोस्पर्म एंड डी से याद रखेंगे डिपेंडेंट, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं एंड जो एंजियोस्पर्म के खुद के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक। सो ये थे प्लांट किंगडम के सभी पॉसिबल ट्रिक्स, एंड बाकी आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको चैप्टर वाइज सभी ट्रिक्स मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के भी ट्रिक्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिल जाएंगे, एंड फिजिक्स के भी बहुत बेहतरीन ट्रिक्स प्रेजेंट हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।